लाइफ ओके पर हालिया शुरू हुई कॉमेडी शो हर मर्द का दर्द में विनोद खन्ना का किरदार निभाने वाले फैजल राशिद सीरियल की हीरोइन सोनू यानी कि जिनल बेलानी के साथ शो के प्रमोशन पर अमृतसर पहुंचे। इस अवसर पर यूजे न्यूज के साथ राशिद ने बताया कि 14 फरवरी को उक्त सीरियल शुरू हुआ है और उसमें उन्होंने मेन हीरो तथा बेलानी ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है। सीरियल में हर घर के मर्द के दर्द और पीड़ा तथा पत्नी से नोकझोंक को बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया। उन्होंने कहा कि एक जमाना वह भी था कि फिल्म तभी हिट होती थी जब उसमें कश्मीर की वादियों डल झील सहित कुदरती नज़ारों का सीन होता था, लेकिन धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले इस खूबसूरत जमीन को परस्त आतंकवाद ने दोजख बना दिया है और धीरे धीरे फिल्म और सीरियल बनाने वाले इधर से विमुख होने लगे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ रौनक लौट रही है। मकसद यहाँ आने का यही है कि हमने लाइफ ओके पे एक शो आता है 8 बजे हर मर्द का दर्द, उसकी प्रमोशन के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। थीम नाम से ही पता चल जाता है हर मर्द का दर्द, थीम यही है कि मर्द और औरत के बीच में क्या इक्वेशन है, मर्द कैसे औरतों के साथ मतलब उसके मैनरिज्म क्या हैं, उस क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरता है और बेसिकली फैमिली लाइफ में क्या छोटी मोटी नोकझोंक होती है, यही थीम है। क्या मैसेज है? जी मैसेज तो कोई ऐसा नहीं है, बट ये है कि इससे आई होप मर्दों को थोड़ा बहुत पता चल जाए कि औरतों से औरतों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आई जस्ट होप सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जी बिल्कुल। क्या जी सोशल मीडिया तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत सारे लोग टीवी पर तो देखते ही हैं लेकिन हॉटस्टार पर भी देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। मतलब किसी ने कोई ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया या किसी ने कुछ ऐसा जो कमेंट्स पढ़ते हैं, सबने अच्छा ही लिखा है। और मैं हर मर्द का दर्द में सोनू का रोल प्ले कर रही हूँ जो लाइफ ओके पे आता है। कॉमेडी शो तो पहली बार कर रही हूँ, मेरा दूसरा शो है ये। पहले मैंने डीडी नेशनल के लिए किया था लागा चुनरी में था। सो फिल्म मैंने जो करी है गुजराती फिल्म वो कॉमेडी थी तो सीरियल पहले। यही नहीं बल्कि पहले की तर्ज पर वहाँ की नई पीढ़ी भी फिल्म और सीरियल में आकर खुद को स्थापित कर रही है और अपने बाद आने वाले कश्मीरी युवकों के लिए रास्ता खोल रही है। इसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं राशिद का कहना है कि वह दिन दूर नहीं जब पंजाब की तरह से उनके भी राज्य में भी दोबारा खुशियां बहाल होंगी। अमृतसर से यूजे न्यूज़ के लिए सनी सहोता की विशेष रिपोर्ट।